पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की सैन्य बातचीत नहीं हो सकी है क्योंकि चीन ने तारीख कंफर्म नहीं की है। उसकी तिलमिलाहट की वजह ये है कि पिछले 3 हफ्तों में सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 नई ऊंचाइयों पर पहुंच बना ली है। इन पहाड़ी इलाकों तक चीनी सेना भी पहुंचना चाहती थी मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल फीचर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, भारतीय सेना ने 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचिंगला, रेजांगला, मोखपरी और फिंगर फोर के पास की ऊंचाइयों पर हमारे जवान मौजूद हैं। ये जगहें खाली पड़ी थी और चीनी सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही भारतीय जवानों ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते सीमा पर लंबे अरसे बाद गोलियां चली। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर हवा में फायरिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई। सूत्रों ने साफ कहा है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप LAC के उस पार है। भारतीय जवान जहां पर है वो इलाके LAC के इस ओर आते हैं। भारत की इस कार्रवाई के बाद चीनी सेना ने 3,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती रेजांगला और रेचिनला के पास की है। इसमें PLA की इन्फेंट्री और आर्म्ड यूनिट्स के जवान शामिल हैं। चीनी सेना की मोल्दो यूनिट को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी सेना ने सैनिकों की संख्या खासी बढ़ाई है।